तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है ना। तो सेम डायमेंशन इसमें से किसका नहीं है, वर्क और एनर्जी का देखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है भैया, जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है, और ये सब बराबर होते हैं एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, तो इनका तो डायमेंशन सेम होता है, तो कौन सा नहीं सेम है ये पता, तो ये गलत है। एंगल और स्ट्रेन, देखो एंगल जो होता है, एंगल और स्ट्रेन ये सब डायमेंशनल लेस होते हैं, ठीक है ना। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, और स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो ये सब एल नॉट एम नॉट टी के बराबर होते हैं, तो इनका भी डायमेंशन सेम है। रिलेटिव डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव, ये भी डायमेंशनल लेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि डी ऑप्शन सही है। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू अपॉन ई दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। और एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये यहाँ से वन अपॉन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तुम देखोगे, सॉरी यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू आ जाएगी ई अपॉन न्यू, ठीक है ना। तो एनर्जी आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड ऊपर चला गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, और एनर्जी की होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, तो दोनों का अलग अलग डायमेंशन है ना, मतलब डी ऑप्शन सही है।